पाटी शाप्टा। ये एक बंगाली ट्रेडिशनल डेजर्ट है, स्पेशली ठंडियों के मौसम में बनता है, बट जैसा दिखाया गया है ये कभी भी बन सकता है। आइए देखते हैं ट्रेडिशनली कैसे बनता है और किस किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। पहले मैदा, सूजी, चीनी, दूध और थोड़ा सा नमक लेके अच्छे से मिला के 20 मिनट तक ढक के रख दीजिए। बीस मिनट बाद बैटर को नरम करने के लिए थोड़ा सा दूध डाल के अच्छे से मिला लीजिए। अभी तवे पे घी ब्रश कर लीजिए। इधर ऑयल ब्रश की जगह बैगन का पिछला भाग जो कि हम लोग फेंक देते हैं ट्रेडिशनली, उसको यूज किया जाता है। तवे पे बैटर डाल के डोसे की जैसा फैला दीजिए और 2 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक होने दीजिए। स्टफिंग के लिए एक स्पेशल मावा खीर दीजिए और उसको फोल्ड कीजिए। और ये स्पेशल मावा खीर की रेसिपी इस वीडियो के बाद में है। आखिरी में थोड़ा सा घी ब्रश कर लीजिए। ढंग का स्वाद पाने के लिए इसको ठंडा परोसे। आइए स्टफिंग बनाते हैं। 1/2 लीटर दूध को 10 मिनट तक अच्छे से उबालिए। इसके बाद 1 कप मिल्क पाउडर अच्छे से मिला लीजिए और लगातार अच्छे से मिलाते रहिए। और 5 मिनट बाद 1 कप ब्रेड क्रम्स मिला लीजिए और लगातार अच्छे से मिलाते रहिए। 5 मिनट बाद 1/2 कप चीनी मिलाइए। एक टेबलस्पून चीनी से कैरेमल बनाइए और उसको खीर में मिला दीजिए। अच्छे खुशबू के लिए 2 इलायची और 1 मुट्ठी गुलाब की पंखुड़ियां मिला लीजिए। मावा खीर को गाढ़ा करने के लिए उसको 2 से 3 घंटा ढक के छोड़ दीजिए। इस मावा खीर को भी आप डेजर्ट की तरह सेवन कर सकते हैं, पर ठंडा सेवन कीजिए अच्छे स्वाद के लिए, और ऊपर में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए।